सो गाइस देख सकते हैं आप, वाह यार अच्छा अच्छा। आपका तहे दिल से स्वागत। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत व्लॉग में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो गर्मी सुबह से इतनी ज़्यादा होने लग गई है ना आजकल, तो भाई मैंने 3 बाल्टी ठंडे पानी से नहा लिया है और अभी जो है कि पूरा शरीर छाना हो गया, छाना खुल गया मतलब, ठीक है मतलब रंगत आ गई है। मैं तो सोच रहा हूँ जब तक ये गर्मी का मौसम है ना, अब से घर से निकलूंगा मैं डेली नहाकर, वो भी ठंडे पानी से भाई, गर्म पानी से नहीं। ठीक है सुबह सुबह नहा के आया हूँ, उसके बाद मेरे को काफ़ी गर्म लग रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं यार, उमस हो रही है बहुत ज़बरदस्त। तो घर वाले कह रहे हैं कि आज कोटा गणेश जी लेके आ, दादा दादा थोड़ा सा मैं एक बार सामान लेके आता हूँ। वैसे गाइस मैं जब भी इसके लिए सोचाता हूँ माखन दादा आवाज़ देके मुझे बुलाई देते हैं। हेलो गाइस। तो दादा कुछ फर्क रहा फिर हमारे प्रचार से आपकी दुकान? बहुत बढ़िया रहा आपका, कल भी देखा हमने उड्डा की शान हुआ। अरे दादा धन्यवाद, दादा धन्यवाद, आपकी कृपा है दादा, आप उड्डा की शान हो हमारे। ये वाकई क्या मोमो एक बार दिखाई, सो गाइस देख सकते हैं आप, वाह यार। तो दादा आते वक्त अभी मोमो भी ले जाऊंगा जी, इसमें होंगे ना ये मटन मोमो होंगे चिकन मोमो? अच्छा शादी वाले हैं, बिल्कुल मैं आता हूँ अभी। सो गाइस ऐसा करते हैं थोड़ा बहुत सामान वामान लेते हैं घर का, भाई साहब ठीक ठाक हो? अब घर वाले कह रहे हैं कि कोटा कलेजी लेके आ, कोटा कलेजी कहाँ मिलेगी यार, एक बार सोनू की दुकान में जाते हैं, अगर सोनू की दुकान में मिल जाती है गाइस तो ठीक है, वरना आज कोटा कलेजी तो रह गई, खाली चिकन ही चिकन चिकन खाते हैं ठीक है। और सोनू से मैंने एक चीज़ भी पूछनी है गाइस, जो इंट्रो है ना इंट्रो के बारे में भी पूछना है मैंने, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब हम चैनल शुरू करते हैं तो जो इंट्रोडक्शन होता है ना मेरा, वो तो बढ़िया तरीके से आए मतलब और ज़्यादा मेचोर लगेगा। वो तो भाई की दुकान पर पहुँच गया हूँ, भाई से बात पता करते हैं। अरे भाई साहब नमस्कार, नमस्कार ठीक ठाक है सर? नमस्कार सर, बस धन्यवाद, वैसे तो अभी हम लेंगे पहले शूट कर लेते हैं। अच्छा सर आप कह रहे थे कि वो इंट्रो के बारे में कब बनाए फिर वो वाला? हाँ उसी तो समय से ये साला। अच्छा अच्छा। सो गाइस भाई ने मेरे को सजेशन कर रखा है कि इंट्रो बढ़िया वाला करेंगे, तो कब तक करेंगे? बनाते हैं ठीक है। सो गाइस मैं यही सोच रहा था कि और ज़्यादा मेजोर लगेगा उसमें, और ज़्यादा रंगत भी आएगी अगर हम इंट्रोडक्शन बढ़िया तरीके से एड करते हैं तो। तो अभी थोड़ा बहुत वक्त करते हैं क्योंकि भाई थोड़ी बहुत बिजी लाइफ चल रही है भाई की, तो देखते हैं कब तक होता है कैसा। तो गाइस अभी दोस्त से बात हो गई है और जो इंट्रो की हमने तैयारी कर रखी है, कम से कम 1-1.5 हफ्ते में हम इंट्रो बनाएंगे, लेकिन उसके लिए मतलब मैंने एक बढ़िया सी बढ़िया लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी। तो बात हुई है गाइस आते हैं, तो बात ही हुई है गाइस की एक बढ़िया सी लोकेशन हम तैयार करेंगे, उसके बाद फिर हम इंट्रो बनाएंगे। तो फिलहाल मैं माखंडा के माजे ले जाता हूँ मोमो, तो दादा आप मोमो पैक कर दीजिए मेरे लिए जी सर, 30 रुपये के कर दीजिएगा दादा। सो गाइस वड्डा के सबसे बेहतरीन मोमो की दुकान मैं तो यही कहूँगा माखंडा के यहाँ पर, और भाई जो इनके हाथ में टेस्ट है ना लाजवाब है, क्योंकि घर में बच्चे भी पसंद करते हैं और ज़्यादा मिर्ची विर्ची भी नहीं रहती, तो नॉर्मल सा टेस्ट रहता है गाइस, इसीलिए तो मैं बार बार कहते रहता हूँ आपसे कि आप आइए देख सकते हैं गरम गरम मुँह में। हाँ 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 क्या बात है भाई, क्या बात है दादा, चटनी भी डाल देंगे जी, चटनी पड़ेगी मिर्ची वाली। बिल्कुल बिल्कुल दादा, उसमें भी तो मज़ा है ना मोमो। हाँ। को तो हल्का सा चटकारा लेते हुए अगर खाते हैं ना तो काफ़ी रंगत आती है दादा, अलग मज़ा। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस देख सकते हैं बिल्कुल ताजे फ्रेश मोमो दादा की दुकान में, हम तो खैर बचपन से खाते आ रहे हैं। आप सबसे भी हम गुजारिश करेंगे कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आके यहाँ का आनंद लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाइस जैसे वड्डा की जलेबी मशहूर है ना, हमारे वड्डा की जलेबी मशहूर है आपको पता ही है, तो माखनदा के आज के समोसे बोंडे इत्यादि प्रकार के जो भैया बनाते हैं ना आइटम आप देख सकते हैं, तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आया करिए यार आप।
माखनदा का जो व्यवहार है वो भी काफी दिलचस्प व्यवहार है। आपका तहे दिल से स्वागत है। तुम कह रहे थे ना मोमो मैं लेके आ गया, कैसे बोले माखन दाके मुझे अच्छे लगते हैं मोमो है? मेरे को भी माखन दाके बहुत अच्छे लगते हैं। सो गाइस देख ही सकते हैं आप कितने जबरदस्त मोमो। चटनी कैसी रही है? अच्छी मस्त रही है ना? वाह। एक बात तो ना माखनदा, मुझे पता है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी, तो मतलब आपके हाथों में ना जादू है, पता है? इतने अच्छे मोमो बना रखे हैं आपने, मजा आ गया ना। ऐसा लग रहा ना माखनदा, बस ये कैमरे से निकल के तुम्हारे फोन से ही तुम्हें पकड़ के तुम्हारे हाथों को चूम लिया जाए। वाह लजीज मोमो बनाए माखनदा तुमने, मज़ा आ गया। और चटनी ना भाई आउटस्टैंडिंग है, मज़ा आ गया, रंगत आ गई रंगत। तो भाई शाम को थोड़ी रात मिली, दिन में तो इतना गर्म हो गया था, मैं क्या बताऊँ आपको, हालत ख़राब हो गई थी मतलब गर्मी से। मोमो खाए और उसके बाद सीधे भैया सो गया था मैं। अभी हाथ मुँह धोया, थोड़ा ठंडा पानी चिल्ड पानी डाला मैंने सर में, तो दिन में ना मेरे को मुर्गा मिला और ना मेरे को पोटा गलेजी मिली। तो इस वजह से घर से मेरे से बोला गया है कि भैया शाम को मीट लेके आना बकरी का, तो मीट लेके आते हैं। और दूसरी बात यह गाइस कि जो इंट्रो होता है ना, आपने देखा होगा कई चैनल के जो इंट्रो होते हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया सीनरी दिखाते हैं स्टार्टिंग में, तो वैसा मेरा प्रोग्राम बनता है। अब देखते हैं भाई कब तक होता है। और उसके लिए पहली बात तो ये है कि मतलब बेस्ट जगह लोकेशन मैंने चुननी पड़ेगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो भाई जितने भी इंतजार लोगे, तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि उसके लिए थोड़ा बहुत वक्त ही निकालना पड़ेगा, लोकेशन देखनी पड़ेगी, तब जाके इंट्रो बनेगा, ठीक है? तो अभी एक काम करते हैं, मीट लेते हैं फटाफट। अभी क्या है, शाम का टाइम है, ठीक है? तो फटाफट से मीट ले जाके जाएंगे और इसके बाद एडिटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर से ले लेते हैं। वो मीट दीजिए। मिले या ना मिले, या तो मिल जाएगी खुले दे दो अंकल। ओ बड़ा है ना, तो मजा नहीं है बात किसके पास। सो गाइस मैं यही कह रहा था आपसे कि देखते हैं लोकेशन का भी क्या होता है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मार्केट का एरिया और थोड़े पहाड़ के एरिया ऐसी जगह ना, थोड़ा पानी वानी इस टाइप का मिक्स करके बढ़िया अच्छा जो है कि इंट्रो बनाएंगे, ठीक है? तो ठीक है फिर, आज का ब्लॉग यहीं पर एंट्री करते हैं यार गाइस। मैं जाता हूँ मीट, उसके बाद जो है कि एडिटिंग में बैठ जाएगा तुम्हारा भाई, फिर अपलोडिंग में बैठ जाएगा, तो फिर अंधेरा हो जाता है। सो ठीक है फिर, आई होगी आपको आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है? तो आई होगी आपको आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा तो आपको बताना क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है? दोस्तों के साथ जितने हैं पहचान के सब में फैला दो चैनल दबा के, ठीक है? छोटी अभी मिलता है किसी खूबसूरत से लोग, तक ले रखे मैंने, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।